नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्ची बापी खबर आरंभ करने पूर्व नजर पकई ना कौन रही आज टॉप हेडलाइंस सब कल्पना जल्पनार अंत घोषणा है बीजेडी प्रार्थी तालिका तालिकार ना सिद्धांत महापात्र नाम परलोक पारिकर पानक्रियाटिक कैंसर रोग से पीड़ित थे पारिकर संपूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा सह शेषकृत्य संपन्न पुणी बीजेडी को झटका दल छाड़े गुणपुर विधायक त्रिनाथ गमांग आणिले दल विरोध में गुरुतर अभियोग लांजीगढ़ वेदांत उत्तेजना सुरक्षाकर्मी आक्रमण में दुई जनकर मृत घटनास्थल में 144 धारा जारी पुणी काल विशाखी नहीं सतर्क 10 जिला को सतर्क कला भारतीय पानीपाग विभाग कुआपथर माड़ सह वज्रपात होगा नहीं आशंका एवं संपूर्ण खबर सबु प्रतीक्षार अंत घटी प्रथम पर्याय निर्वाचन पर विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा सह बीजेडी तार प्रथम पर्याय प्रार्थी तालिका घोषणा करी तालिकार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ना भी रही तेज मुख्यमंत्री गंजाम जिलार हिंजिली निर्वाचन मंडली सहित बरगढ़ जिलार विजेपुरु भी निर्वाचन लड़े यह तालिकार अभिनेता तथा ब्रह्मपुर सांसद सिद्धांत महापात्र ना नहीं बदल में कंग्रेस छाड़ी बीजेडी जोग देता पूर्वतन सांसद चंद्रशेखर साहू को यह आसन प्रार्थी कर मंत्री रमेश माझी को नवरंगपुर लोकसभा आसन पर टिकेट दि जाता बेले कोरापुटर कौशल्या हेक्का प्रार्थी कर कलाहांडी लोकसभा आसन पुष्पेन्द्र सिंहदेव प्रार्थी होता बेले बलांगीरु कलिकेश नारायण सिंहदेव बरगढ़ प्रसन्न आचार्य आसिकार प्रमीला विषोई कंधमाल लोकसभा आसन अच्युत सामंत प्रार्थी होती सुंदरगढ़ लोकसभा आसन सुनीता विश्वाड़ को प्रार्थी कर विधानसभा आसन पर भी ना घोषणा कर जूनागढ़ दिव्यशंकर मिश्र नुआपड़ राजेन्द्र ढोलकिया नल्लू भूपिंदर सिंह खरियाड़ लंबोदर निहाल और भवानी पटना दुष्मंत नायक प्रार्थी होती गुणपुर रघुनाथ गमांग रायगढ़ लालबिहारी हिमरिका कोरापुट रघुराम पड़ाल लक्ष्मीपुरु प्रभु जानिल जयपुर रविनारायण नंद उमरकोट्रु सुभाष गण डाबू गांव मनोहर रंधारी कोटपाड़ पद्मीन दयान चित्रकोंडार पूर्णचंद्र बाका धर्मगढ़ महोषधी बाग ब्रह्मपुरु विक्रम पंडा गोपालपुर प्रदीप पाणिग्याही दिगपहरी सूर्यनारायण पात्र चिकिटी उषा देवी छत्रपुर सुभाष बेहरा पारलाखेमिडी कल्याणी गजपति मोहनारु पूर्णवास नायक आशिकारु मंजुला स्वाई सोरडारु पूर्णचंद्र स्वाई और सानखेमुंडी नंदिनी देवी प्रार्थी होती सेपरी पोलसराशि श्रीकांत साहू कवि सूर्यनगर लतिका प्रधान कलिकोटू केके सूर्यमणि बहिदार जी उदयगिरी सालुका प्रधान बौद्धु प्रदीप अमात कंठामलू महिधर रणा भंजनगर विक्रम आरुक दसपलारु रमेश बेहरा टेटलागड़ टुकनी साहू पटनागड़ सरोज मेहरे सोनपुर निरंजन पूजारी कंटाबांजी अजय दास वीरमहाराजपुर पद्मनाभ बेहरा बरगढ़ देवेश आचार्य अति बीरारु स्नेहागिन छुरिया भटली सुशांत सिंह पद्मपुर विजय रंजन सिंह बरिया और झारसुगुड़ नवदास को बीजेडी विधायक प्रार्थी कर leaders of western odisha the farmers the women the students have requested me to stand from western odisha I am considering this very serious आसवा परवर्ती बड़ खबर को पानक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित हुई बहुदिन धरी जंत्रणा भोगवापर गतका संध्यार शेष निश्वास त्याग करती देशर पूर्वतन प्रतिरक्षा मंत्री तथा गोआर मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर 63 वर्ष बयस परलोक घटी आज संध्यार संपूर्ण राष्ट्रीय मर्यादा सह शेषकृत्य संपन्न होकर शेष दर्शन पर गतकालीठू पणाजी स्थित बासभवन में नेता मंत्री समर्थक शुभेच्छु और बंधुबांधवक भिड़ लगि रही है आज सका 9:30 to 10:30 जाए पार्थिव शरीर को पणाजी स्थित राज्य बीजेपी मुख्यालय में रखा जाता 10:30 पार्थिव शरीर को एक विराट शोभा कला एकाडेमी को निया सर्वसाधारण दर्शन व्यवस्था करा कर तेज अपराह 4 पर्यंत से पार्थिव शरीर को रखा जाता 4 देशर एक सुजोगी संतान को अंतिम विदाय देवाई प्रक्रिया आरंभ होता संध्या 5 पणाजी ठार् प्राय 4 किलोमीटर दूर कंपालर एसएसजी ग्राउंड में राष्ट्रीय मर्यादा सह अंतिम संस्कार कर बहुत ही दुखद समाचार है। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के रक्षा मंत्री के रूप में श्री मनोहर पारिकर जी ने जो उत्कृष्टतम सेवाएं इस देश को दी हैं
वह सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। वे एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले एक सच्चे देशभक्त थे। सार्वजनिक जीवन में रह करके सादगी पूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है, कैसे सार्वजनिक जीवन को निष्कलंक रखा जा सकता है, उसका एक उत्कृष्टतम उदाहरण श्री मनोहर पारिकर जी थे। परम मित्र, देश के भूतपूर्व रक्षा मंत्री, गोवा के सम्माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी का दुर्भाग्य से देहांत हुआ। लंबे समय से जन सा के साथ मिलते हुए इन्होंने गोवा राज्य की तरक्की के लिए काम तो किया ही, लेकिन साथ में रक्षा मंत्री जब बने, हम दोनों एक ही साथ में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था। मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मनोहर जी राजनीति में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना व्यवहार, अपनी कार्य पद्धति सबके सामने एक आदर्शवत कार्यकृति बनाई थी। उनको खोने से आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है, साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है, और ऐसी क्षति भरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा। गोवा की जनता के और मेरे मित्र मनोहर जी के पूरे परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और मुझे विश्वास है भगवान उन्हें, उनकी आत्मा को पूरी शांति देगा। आने वाले दिनों में हम सब उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी हम सबके बीच में नहीं रहे। मनोहर पर्रिकर जी का हम सबके बीच में न रहना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। बचपन से एक कार्यकर्ता के नाते नीचे से काम करते करते राष्ट्रभक्ति के संस्कार के साथ मृत्यु पर्यंत सार्वजनिक जीवन में अनेक बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी निष्कलंक जीवन रहा। राष्ट्रभक्ति हमेशा सर्वोपरि रही। सादगी के गुण को उन्होंने आजीवन संभाल कर रखा, संजो कर रखा। देश के रक्षा मंत्री के नाते देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण का सवाल हो, या मोदी जी के नेतृत्व में पहली सर्जिकल स्ट्राइक करने का सवाल हो, मनोहर पर्रिकर ने कुशल प्रशासक के परिचय देश भर को दिया। पर्रिकर का निधन देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदना है, ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। आईआईटी मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर, विचारधारा के प्रति समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात मानते थे। जब केंद्र में आया रक्षा मंत्री के रूप में तो बड़ा काम किया। जब मैं अटल जी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर था तो उन्होंने जो गोवा फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, हमने आग्रह किया, उन्होंने 6 महीने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4 महीने में बनवा दिया। आज देखो कितनी बड़ी बात हुई है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया सर्जिकल स्ट्राइक के समय, और गोवा के विकास के लिए वो काफ़ी सक्रिय थे। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से
अंतिम दिन तक काम करते रहे। तो बहुत पीड़ा है, मेरे अच्छे मित्र थे, पार्टी के नेता थे, मैं उनको बहुत संवेदना देता हूँ। 63 साल की उम्र कोई जाने की नहीं होती है, लेकिन आज हम उनकी यादों को हमेशा सजोएंगे और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश से आकर हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर इतनी बड़ी छाप छोड़ना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुणी बीजेडी को झटका, बीजेडी इस्तीफा देते गुणपुर विधायक त्रिनाथ गमांग, दलर प्राथमिक सदस्य पदर त्रिनाथ गमांग इस्तीफा देते। इस्तीफा कारण दर्शाई त्रिनाथ कहते दल में मत अणदेखा करा। गत 16 तारीख में गुणपुर निर्वाचन मंडल अन्य आशायी प्रार्थी को नहीं मिश्रण पर्व करा, किंतु मुझ भुवनेश्वर थी मत खबर दिगला ना से मर्माहत, तेणु मुझ दल छाड़क निष्पत्ति नेली कहते त्रिनाथ। एपरिक 2009 मत सचोट लोकसभा दल सामिल कर 2014 गुणपुर बीजेडी विधायक प्रार्थी भाव निर्वाचन लड़ी विजय होते, किंतु एवं दल अणदेखा करपत्ति ने त्रिनाथ तेज निर्वाचन लड़ा और अगर दल को जी नहीं जाए किसी स्थिर करना क्यों दल को जी मो स्वइच्छार कौन दल को जी ना आसंता का स्थानीय लोकों सह आलोचना कर परवर्त पदक्षेप ने। विजु जनता दल प्राथमिक सभ्य पदर इस्तीफा दे गुणपुर विधानसभा रो विधायक मत जो दल अन्याय करने को जाऊँ कारण मु 2009 विजु जनता दल रे मु जाई निजे मिसिनी जिला स्तरीय नेतृत्व मो पाक आसीले बहुत से मन मत बुझा सुझा कले तुम पर गोटे सच्छट निर्मल भावमूर्ति लोक गोटे आमको दरकार विजु जनता दल रे मु सेमानकर कथा सुनी मु विजु जनता दल रे 2009 जोग देली। 5 वर्ष मु दल पे मध्ये काम करिसि। 2014 रे मते गुडे सुजोग आसिला, सेमाने मते विधायक टिकट गुणपुर निर्वाचन मंडल रे दले। मु आम 5टी ब्लॉक रो संगठन म्युनिसिपालिटी एनएससी रे संगठन को मो सहित थिले। आसवा परवर्त खबर को कलाहांडी जिला लांजीगढ़ स्थित वेदांत आलुमिनियम कारखाना सम्मुखें आज एक अभावन घटना घटी जाती। सुरक्षाकर्मी लाठी माड़े जन श्रमिक और जन दोकानी मृत्यु घटी। मृत श्रमिकों ना दानी पात्र और घर लांजीगढ़ निकटस्थ छत्रपुर में जमापड़ी। तेज पुलिस माड़े 30 अधिक श्रमिक आहत होता बेले 3 जन अवस्था गुरुतर थी जमापड़ी। समस्त को लांजीगढ़ हस्पिटाल भर्ती कर घटना पर स्थानीय अंचल उत्तेजना प्रकाश पाई बेले कारखाना सम्मुखें प्रशासन पक्ष 144 धारा जारी कर। आसवा परवर्त खबर को सुवर्णपुर जिला बिनिका ब्लक सकमा ग्रामवासी दीर्घ दिन हे केन्दुपत्र तोलुवा बेले एपर्यंत पारिश्रमिक पाई ना। 2016-2017 मसीह पत्र तोलाली बंधाड़ी और गोछा कटाड़ी श्रमिक मैंने बारंबार विभाग अधिकारी को जनते हैं कहीं शुणु नवा अभोग करणु बाध्य जिलापा द्वारस्थ होती ग्रामवासी। तेज ए बाबद प्रशासन दृष्टि नदे आगामी निर्वाचन को बर्जन करने को चेतावनी। सतरें तुली थी 2018 में तुलीचू से अधा पैसा दे दौ अधा पैसा से देवार नहीं आर से यहाँ के कि पैसा पड़ला बोल कि कहले के यहाँ कागज पत्र के कागज पत्र के अधा पड़ी पार्जे और अधा अलझी जाए क्या आज्ञा से लगेगा कलेक्टर अफिस के आम आईसू आर बैशाख मसर खरारे आम केन्दु पत्र रात 3 उठिक जाइ सन्या 7 बजे ढुकी कुटुंब जिते से घाटी जाइ आम छुआ पिला आम कुटुंब बाटुम देख दे झाऊ खरारे छाड़ी आम पत्र तुले जाइ आम पाएमु 2 पैसा जे खाएमु बोल कर आमर तो धंदा फंदार किसी नहीं जमीवाड़ी ना आम से चलुचु से 14-15-16-17 तो आज्ञा पत्र तोलीचु आम सकमा ग्रामवासी तोलाली माने बहुत पैसा बाकी रही जाऊे किए पाचन किए ना पावा आम रेंजर दफी मान को दाबी कर सारूँ गाँव में मीटिंग भी हो सारा से 7 दिन पर देमु बोली कहले। आसवा परवर्त खबर को बलांगीर जिला खपराखल ब्लक पड़िया बाहल ग्राम पंचायत पचरापल्ली घसीयन देवी छक विश्वशांति महाजज्ञ भागवत पुराण उद्यापित होती। 7 दिन धरी अनुषित कार्यक्रम में घसीयन देवी पीठ से उत्सव मुखर होता तेज यह अवसर विश्वशांति महाजज्ञ 24 प्रहर नामजज्ञ भगवत पारायण प्रवचन अलेख महिमा यज्ञ आदि आयोजित होता। पूजार्चना दायित्व थे परेश चंद्र प्रधान आयोजित कमिट सभापति विनोद प्रधान संपादक करम सिंह छत्र उपदेष्टा जयचंद्र प्रधान प्रमुख ए योगदान देते।
कांग्रेस रे मिसिले टिटलागढ़ निर्वाचन मंडली रो शताधिक बीजेपी और बीजेडी कर्मी माने पूर्वतन मंत्री सुरेंद्र सिंह भोई को उपस्थित रे सैंचला कांग्रेस भवन रे या मिश्रण प्रपटी अनुष्ठित होइतला। चासी महिला युवक युवती मानकु नियुक्ति विभिन्न क्षेत्र रे राज्य सरकार विफल होतबा एवं कांग्रेस क्षमता को आसले रणछाड़ धानर सर्वनिम्न सहायक महिला को उचित सम्मान स युवक को नियुक्ति जगाय दिए जीव बोली पूर्वतन मंत्री सिंह भोई कहिछन्ति। ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଥିଲି ବିଜେଡ଼ିରୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି ତେରୁ ଦେଖିଲି ଶାସନ ଅନେଇଯିନି ଟିକେ ଲୋକର ଏରିଆର କାମ ଧାମ ଟିକେ ନେଇ ହେଇପାରିଲା ନେଇ ପାରିଲା ଦେଖୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକର ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସେବା କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ନେଇପାରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଫତଲା ବ୍ଲକ ଏବଂ ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମର ତ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ଆମର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆର୍ ବିଜେଡ଼ି ଆର୍ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆମର ଆସ୍ଥା ନାଇଁ ନ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ଆସିକରି ଆମେ ତା ଟିକେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ଥିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖୋଲାଖୋଲି ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ସେମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଭରସା କରିକିରି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯେନ୍ତାକି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ସାମିଲ ହେଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଗତ ତିନି ଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତେବେ ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ହରବଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପାଗ କୋହଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ପାଗ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ହରବଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଚାରିଚକ ଝାଡ଼ରିଝଙ୍ଗ ରାଣୀପଥର ଗେଟମୁଣ୍ଡା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚମ୍ପୁଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚିମଳା ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ତେବେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆରୋହି ଜଣଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିମଳା ଗାଁର ମନୋଜ କୁମାର ମହାକୁଡ଼। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାରସଗୁଣା ବ୍ଲକ ସିଲପୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଷଣା ହେବାର ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ମାଣ ଗୃହ ହୋଇପାରୁନି। ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ସରିବା ପରେ ଲେଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆସରିଛି। ତେବେ ସାରସଗୁଣା ବିଡିଓ ସୁନାକର ଶର୍ମା ଜେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁଙ୍କ ଆହିତୁକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ମୋର ନେଇ ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ଆମ କିଛି କାମ ହାସଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୋର ବସିଥିବାରୁ ମୋତେ ଏତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୟା ମମତା ନେଇ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେ ଆମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ କେହି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆମ ହେଇପାରୁ ଫେରବଣି ହେଇପାରୁ ଅଡ଼ାସବଣି ନେଇକି ଆମ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତ ଯେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଆଉଟ୍ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଦେଇକରି ଗଲେ ତା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଆମର କେଉଁ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଇପାରିଲାଣି ବ୍ଲକ କୁଲୁ ବିଡ଼ିଓକୁ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଆମର ଲେଆଉଟ୍ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି କାମଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଜିପିରୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ତହସିଲକୁ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିପି ଘର ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ସେ ତାପରେ ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲ ଆସିଥିଲେ, ଜେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆର୍ଆଇ ଆସିଥିଲେ, ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଗଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେବ ସେଇ ଜାଗା ବୋଲି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଆସିକରି ଜେଇ ଆସିଲେ, ଲେଆଉଟ୍ ଦେଲେ ଜାଗାରେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ରହ।